Hello all, this is the 6th lecture for 12th standard students on reproduction in flowering plant. Last lecture में हमने double fertilization cover किया था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर ये embryo sac है, इस तरफ antipodal cell होंगे, यहाँ पे ये एक cell होगा, उसके दोनों side से synergids होंगे, बीच में ये दोनों polar nuclei है, दो मेल गैमेट्स लेके पोलन ट्यूब आता है. पोलन ट्यूब दोनों मेल गैमेट्स को रप्चर करके सिनर्जिड्स में जाके सिनर्जिड्स में पेनिट्रेट करके रप्चर होता है. रप्चर होने की वजह से वहां पे दो मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं, उसमें से एक मेल गैमेट जो है वो इन दोनों पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होके हैप्लॉइड 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 यानी तीन हैप्लॉइड फ्यूज होके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है. और वहीं पे दूसरा मेल गैमेट जो है वो इस एक सेल के साथ फ्यूज होके जायगोट बना लेता है. एक बार ये डिप्लॉइड जायगोट और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाने के बाद यानी फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंटीपोडल सेल और ये जो दूसरा सिनर्जिड है वो भी डिजेनरेट होते हैं. पहला सिनर्जिड तो फर्टिलाइजेशन के पहले ही डिजेनरेट होता है, तो तीन एंटीपोडल और बचा हुआ सिनर्जिड डिजेनरेट हो गए. तो यहां पे बचा क्या, यहां पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये जायगोट है, ये जो है ये जायगोट है और ये जो बड़ा सा सेल है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया है कि ये जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये एंडोस्पर्म बनाते हैं. एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा और इस डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट कर देंगे, उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे. तो आगे अब एंडोस्पर्म जो है, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, इस एक सेल से कई सारे सेल तो बनेंगे इस एंडोस्पर्म के. देखो एंडोस्पर्म पहले डेवलप होगा या जायगोट से एम्ब्रियो पहले बनेगा, तो मोस्ट कॉमनली मैक्सिमम जगहों पे सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलप होता है क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है. कुछ अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑलवेज और या फिर यू कहो कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू थोड़ा सा फॉर्म होने के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है ताकि ये डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को इधर से कंटिन्यूअसली नरिशमेंट मिले, कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स मिले. तो अब इस एक सेल से और इस एक न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म कितने टाइप के बन सकते हैं, तो मोस्ट कॉमनली चार टाइप्स में आपको यहां पर डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से. पहला सेलुलर एंडोस्पर्म, पेन थोड़ा फेंट हो गया है, मैं पेन चेंज कर, सेलुलर एंडोस्पर्म. दूसरा होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तीसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म एंड द फोर्थ वन इज मोजैक एंडोस्पर्म, मोजैक एंडोस्पर्म. तो न्यूक्लियर पहले मैं डिस्क्राइब, भले यहां पे सेकंड नंबर पे लिखा हो, मैं पहले इसी को डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड बाकी लोगों बाकी टाइप्स का जो कंटेंट है वो इस पे डिपेंड है या इससे रिलेट किया जा सकता है, हमें आसान जाएगा वो. तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये एक सेल है और उसके अंदर ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है. तो अब यहां पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में या इस टाइप में न्यूक्लियस एक से दो, दो से चार ऐसे डिवाइड होते जाते हैं अंदर, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होता. मतलब ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये तीसरा न्यूक्लियस है, ये चौथा है, ऐसे न्यूक्लियस एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे माइटोसिस से न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहे हैं, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन वहां पे न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल या सेल नहीं बन रहा है. मीन्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इट इज अ फ्री न्यूक्लियर डिविजन. एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस एक से दो, दो से चार, चार से आठ ऐसे डिवाइड 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 होते हैं. सेल न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द सेल सेल वॉल फॉर्मेशन.
सेल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो होगा क्या यहाँ पे, एक मल्टी न्यूक्लियर मास बन जाएगा इस एरिया में, कई सारे न्यूक्लियस 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 ऐसा ये एरिया बन जाएगा। इधर जायगोट है जो एम्ब्रियो बनाएगा। तो अब ये जो मल्टीपल न्यूक्लियस है ये बनने के कुछ वक्त बाद या उसके बाद, मतलब कई कई सारे न्यूक्लियस बनने के बाद यहां पे सेल वॉल डिपोजिशन होता है। तो वो भी कैसे, डिस्क्रिप्शन कहता है कि सेंटर में बहुत बड़ा वैक्यूल अपीयर होता है और ये वैक्यूल बड़ा बड़ा होने की वजह से ये जो सारे न्यूक्लियस है वो पेरिफेरली पुश होते जाते हैं। अंदर वैक्यूल बनता है, सारे न्यूक्लियस पेरिफेरली पुश होते हैं और फिर वहां पे सेल वॉल डिपोजिशन हो जाता है और ये न्यूक्लियस जो है इनसे सेल बनते हैं, न्यूक्लियस जो है इनसे सेल बनते हैं। कौन से एग्जाम्पल से इसके, इस टाइप के एंडोस्पर्म के, तो याद रखना है यही पे काफी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म किन में होता है, कौन से प्लांट में होता है, वीट, सनफ्लावर, साथ में कोकोनट, वीट सनफ्लावर या कोकोनट, ये जो है ये न्यूक्लियर टाइप ऑफ इसमें एंडोस्पर्म होता है। अब सेल वॉल फॉर्मेशन के दौरान, ये तीनों एग्जांपल है उस चीज के, सेल वॉल फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, कई बार सेल वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह जाता है। मैं इससे पहले एक बात कह दूं आपसे कि जो टेंडर कोकोनट का पानी है, वाटर है, नारियल पानी, दैट नारियल या कोकोनट वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो अब उसमें आप तुम्हाला एक गोष्ट हे लक्षात येईल की जसं जसं नारळ मॅच्युअर होतं ते जे पाणी आहे, म्हणजे एक काय म्हणता येईल आपल्याला त्याला, हिरवं नारळ आणि वाळलेलं नारळ किंवा मॅच्युअर नारळ, याच्यामध्ये फरक काय असतो, हिरव्या नारळात नुसतं पाणी असतं, त्याच्या बाजूला खोबरं नसतं आणि वाळलेल्या नारळा किंवा ते जसं जसं वाळत जाईल पेरी फेरली तिथं खोबरं फॉर्म होतं किंवा ते जे खोबरं आहे तेच ते ऍक्च्युली सेल्युलर एंडोस्पर्म आहे। तो प्रकार काय माहिती, तर ज्या पेरिफेरल न्यूक्लिया असतात ना सुरुवातीला तर सगळ्या नुसते न्यूक्लियस म्हणून पाणीच पाणी आहे, नंतर येतं ना अशा सेलवॉल डिपॉझिट होतात, पण हे सेलवॉल डिपॉझिशन इनकम्प्लीट राहिलं की काही न्यूक्लिया ज्या आहेत त्या तशाच राहतात, ज्या फक्त न्यूक्लिया राहिल्या ते पाणी आहे आणि या पेरिफेरली सेल आहे म्हणजे हे नारळाचं खोबरं आहे हे, आणि हे जे मध्ये पाणीच राहिलं त्याच्यामध्ये फ्री न्यूक्लियस असतात। तर नारळ पाणी हे एंडोस्पर्म, त्यात पण न्यूक्लियर एंडोस्पर्मचं एक्झाम्पल आहे। आणि मी परत एकदा सांगतोय की काय होतं की कधी कधी सेलवॉल डिपॉझिशन हे इनकम्प्लीट राहतं, म्हणजे पेरिफेरली काही सेलमध्ये सेलवॉल डिपॉझिशन होतं आणि सेंट्रली ते सेलवॉल डिपॉझिशन होत नाही, न्यूक्लियस तसेच राहतात आणि दॅट्स वाय पेरिफेरल न्यूक्लिया फॉर्म्स द सेल्स ऑर दे गेट्स इनकॉर्पोरेटेड विद इन द सेल वॉल वाईल सेंट्रल न्यूक्लिया रिमेन्स फ्री। देन दूसरा टाइप है सेलुलर। सेलुलर में क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब यहां पे पहले न्यूक्लियस 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 डिवाइड होने के बाद में सेल वॉल फॉर्म हो रहा था। सेलुलर में जैसे कि उसका नाम बता रहा है कि सपोज एक न्यूक्लियस है ट्रिप्लॉइड और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, एक से दो हो गए न्यूक्लियस, एक से दो हो गए कि तुरंत इनके बीच में सेल वॉल बनेगा, दो से चार हो गए मतलब इसका एक और न्यूक्लियस डिवीजन, दूसरा न्यूक्लियर डिवीजन, फिर से बीच में सेल वॉल, फिर से बीच में सेल वॉल, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर से सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, मींस एवरी कैरियोट और न्यूक्लियर डिवीजन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय द सेल वॉल डिपोजिशन, किसमें, सेलुलर एंडोस्पर्म में। हेलोबियल जो है, अब सेलुलर का एग्जाम्पल क्या याद रखना है, तर सेलुलरचं एग्जाम्पल एबीपी लक्षात ठेवा, एबीपी माझावरनं, ए बी पी, ए फॉर एडोक्झा, ए इज फॉर एडोक्झा, एडोक्झा, बी इज फॉर बाल्सम, बाल्सम, अँड पी इज फॉर पेटुनिया, पेटुनिया, ए बी पी, एडोक्झा बाल्सम अँड पेटुनिया, एडोक्झा बाल्सम अँड पेटुनिया। हेलोबियल, हेलोबियलची स्टोरी काय रब करून देतो, आता हेलोबियल प्रकार जो असतो पोरांनो, प्रायमरी एंडोस्पर्म सेल, त्याच्यामध्ये हा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, त्याचा
हेलोबियल हे या दोन्हीच्या मध्ये आहे. कसं सेल्युलर मध्ये काय होतंय हे बघा, परत एकदा सांगतोय, नीट लक्ष द्या. हा ट्रिपल फ्युजनमुळं बनलेला ही प्रायमरी एंडोस्पर्म सेल आहे आणि हा त्याचा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस आहे. सेल्युलर मध्ये काय होईल, या सेलच्या आत न्यूक्लियस मायटोसिसने एकाचे दोन झाले की तिथं लगेच सेल पण एकाचे दोन होऊन जातात. न्यूक्लियस दोनचे चार झाले की सेल पण दोनचे चार होऊन जातात. म्हणजे न्युक्लिअर डिव्हिजन इज इमिजिएटली फॉलोड बाय द सेल वॉल डिपॉझिशन. सेल्युलर न्युक्लिअर मध्ये काय होतं, इथं हे सेल्युलरचं एक्झाम्पल झालं. न्युक्लिअर मध्ये काय होतं, एक न्यूक्लियस एक सेल. न्यूक्लियस मध्ये न्यूक्लियस डिव्हिजन, आता तुम्हाला सेल डिव्हिजन नीट आठवायला पाहिजे. सेल डिव्हिजन मध्ये आपल्याला स्पष्टपणे माहिती आहे की अगोदर कॅरिओकायनेसिस होतं, प्रोफेज मेटाफेज अनाफेज टेलोफेज, आणि त्याच्यानंतर सायटोकायनेसिस होतं. म्हणजे न्यूक्लियस अगोदर डिवाइड होतो आणि त्याच्यानंतर सेल वॉल फॉर्मेशन होतं किंवा सेल डिवाइड होते. ऍक्च्युली सायटोप्लाझम डिवाइड होतं. म्हणजे एका सेलमध्ये आधी न्यूक्लियस एकाचे दोन होतील आणि मग सेल एकाच्या दोन होतात, लक्षात ठेवा. म्हणजे असं नसतं की सेल डायरेक्टली दोन ठिकाणी गेली आणि दोन न्यूक्लियस बनले. सेल डिव्हिजनच्या स्टेप्समध्ये अगोदर न्यूक्लियस डिवाइड होणार आणि त्यानंतर सायटोप्लाझम किंवा सेल डिवाइड होते. म्हणजे सेल त्याच्यानंतर एकाच्या दोन होतात. इथं इथं काय होतंय बघा, आता न्यूक्लिअर डिव्हिजन जो प्रकार आहे त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस एकाच्या दोन होतोय, न्यूक्लियस एकाचा दोन होतोय, पण लगेच तिथं सेल एकाची दोन नाही होते. म्हणजे न्यूक्लियसचा नंबर वाढतोय, सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड होत चालली हळूहळू. मग दोनचे चार, चारचे आठ, असे खूप न्यूक्लियस बनले की मग तिथे त्यांच्या आजूबाजूला सेल वॉल डिपॉझिशन होतं. सेल वॉल डिपॉझिशन कम्प्लीट पण होऊ शकतं आणि इनकम्प्लीट पण होऊ शकतं. इनकम्प्लीट सेल वॉल डिपॉझिशन कोणामध्ये होईल, व्हीट सनफ्लॉवर कोकोनट मध्ये होतं. व्हीट सनफ्लॉवर कोकोनट यांच्यामध्ये इनकम्प्लीट सेल वॉल डिपॉझिशन होतं. आणि पुढचा विषय असा पण आहे की कोकोनट वॉटर जे आहे ते फ्री न्यूक्लिअर एंडोस्पर्म आहे आणि मग त्याचे खोबरं बनले आजूबाजूला पेरिफेरली, तर पेरिफेरीच्या ज्या न्यूक्लिया होत्या त्याच्या आजूबाजूला सेल वॉल डिपॉझिट झालं की ती फ्री न्यूक्लियस किंवा ते पाणी त्या खोबऱ्यामध्ये कन्वर्ट होतं. देन तिसरा प्रकार मी काय बोललो की हेलोबियल या दोन्हीच्या मध्ये कसं मध्ये, तर फर्स्ट न्यूक्लियर डिव्हिजन, म्हणजे आता हा एक न्यूक्लियस एकाचा दोन झाला, एक आणि दोन, तर फर्स्ट न्यूक्लियर डिव्हिजन इज फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन. सेल पण एकाची दोन होते, ऍक्च्युली इक्वल नाही होत, अनइक्वल होतं. मायक्रोपायलार एंडकडची जी सेल असते, म्हणजे मायक्रोपायलीकडची, ती लार्जर असते आणि चलाचल एंडकडची स्मॉलर सेल होऊन जाते, स्मॉलर सेल होऊन जाते. आणि ही जी लार्जर मायक्रोपायलार एंडकडची सेल आहे ती आणि ही स्मॉलर चलाचल एंडकडची सेल, ह्या पहिल्या काय बोललोय मी की पहिल्या न्यूक्लिअर डिव्हिजन नंतर इमिजिएटली सेल वॉल फॉर्मेशन झालं, पण त्याच्यानंतर इथं फ्री न्यूक्लिअर डिव्हिजन होतं. तर हे दोन्हीच्या मध्ये, म्हणजे फर्स्ट कॅरिओकायनेसिस इज इमिजिएटली फॉलोड बाय द सायटोकायनेसिस अँड देन आफ्टर द एंडोस्पर्म डेव्हलपमेंट प्रोसीड्स विथ द फ्री न्यूक्लिअर डिव्हिजन. तर एक्झाम्पल हे कोणत्या प्लांट्स मध्ये, तर इट इज प्रेझेंट इन हेलोबियल्स. हेलोबियल्स जे आहेत कोण येतं याच्यामध्ये, तर हेलोबी फॅमिलीचे काही प्लांट आहे किंवा मग तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे ऍस्फोडेलस. एस्पोडेलस इज द एक्झाम्पल ऑफ द प्लांट की जिसमें हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है. और लास्ट एंड फोर्थ वन इज मोजैक. मोजैक मोजैक जो एंडोस्पर्म है इसमें आता याच्या अगोदरचे जे तीनही टाईप बघितले तुम्ही, त्या तीनही टाईप मध्ये वेदर इट इज द न्यूक्लियर, वेदर इट इज द सेल्युलर और हेलोबियल, एकाच टाईपचे टिश्यू आहे एंडोस्पर्म मध्ये. एंडोस्पर्म मध्ये एकाच प्रकारचे टिश्यू आहेत. जेव्हा एंडोस्पर्म मध्ये मोर दॅन वन टाइप ऑफ टिश्यू असतात, व्हेन एंडोस्पर्म इज मेड अप ऑफ टू डिफरंट टाइप ऑफ टिश्यूज. एंडोस्पर्म मध्ये दोन वेगळ्या वेगळ्या टाइपचे जर टिश्यू असतील रे, कोणामध्ये असतं, कॉर्न मध्ये मक्यामध्ये, हे दोन वेगळ्या वेगळ्या टाइपचे टिश्यू असतात एकाच एंडोस्पर्म मध्ये, त्या प्रकारच्या एंडोस्पर्मला मोजॅक एंडोस्पर्म असं म्हटलं जातं. नीट लक्षात ठेवा, when endosperm is made up of more than one type of tissue, या फिर it is not more than one, actually it should be two type. When endosperm is made up of two type of tissue, दो type चा दोन प्रकारचे tissue ना जेव्हा endosperm बनलेला असतो त्याला mosaic type of endosperm असं
म्हटलं जातं. एंडोस्पर्म हा न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू आहे, तो डेव्हलपिंग एम्ब्रियोला नरिशमेंट देत असतो. मॅच्युअर सीड मध्ये एंडोस्पर्म आहे की नाहीये याच्यावर ना सीड दोन टाईपचे असतात. सीड कुड बी, हा पॉइंट परत रिपीट होईल, सीड कुड बी एंडोस्पर्मिक, वो एंडोस्पर्मिक हो सकता है या नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकता है. इसको और एक नाम भी है, क्या है बोलता हूं. तो एंडोस्पर्मिक सीड यानी जिसको जिस सीड में, जिस प्लांट के मैच्योर सीड में भी एंडोस्पर्म होता है उसे एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है. अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में होता क्या है कि जायगोट जो है, अभी हम आगे देखने वाले हैं कि जायगोट में डिवीजन होकर जायगोट से धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है, और डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो अगर यहां पे एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है जायगोट से, वो अगर एंडोस्पर्म को खा ले तो एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में बचता नहीं है. अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को पूरी तरह से खा ले, पूरी तरह से यूज कर ले, तो वहां पे एंडोस्पर्म नहीं बचेगा मैच्योर सीड में, और इस टाइप के या ऐसे सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स कहा जाता है. और वही पे एंडोस्पर्मिक सीड जो है उसे अल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है. कौन से एग्जाम्पल है तो याद रखना, उन्होंने एनसीईआरटी में सवाल पूछा हुआ है, उसका जवाब भी मैं दे रहा हूं. व्हीट, मेज, देन कोकोनट, राइस, कैस्टर, ये सारे एंडोस्पर्मिक सीड है. व्हीट, गहू, तांदूळ, मक्का, नारळ, कॅस्टर, कॅस्टरचं मला माहित नाही मराठीत काय म्हणतात, तर इथं दिसत नसेल तर लक्षात ठेवा, इथेच लक्षात ठेवून घ्या, पाठ करून घ्या. व्हीट, राईस, कोकोनट, मेज अँड कॅस्टर. दुसरं नॉन एंडोस्पर्मिक कोण आहे, पी म्हणजे काय, वटाणा, बीन, ग्राउंडनट, यांच्यामध्ये एंडोस्पर्म बनतो पण मॅच्युअर सीड मध्ये तो राहत नाही, कारण एम्ब्रियोच्या डेव्हलपमेंटच्या दरम्यान तो एम्ब्रियो त्याला यूज करून घेत असतो. हे झालं कशाविषयी, एंडोस्पर्म विषयी. एकदा ब्रीफली मला तुम्ही रिकॉल करून सांगा म्हणजे आता तुमचं तुम्हाला सांगायचंय. पहिलं काय आपण बघतोय, डबल फर्टिलायझेशन मध्ये एक मेल गॅमेट फ्यूजोम ही सेल झाली, प्रायमरी एंडोस्पर्म सेल, आणि त्याचा न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड, आणि इथं काय झाला, डिप्लॉइड झायगोट, झायगोट पासून काय बनेल रे, एम्ब्रियो, आणि याच्यापासून काय बनेल, एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्मचे किती टाईप, चार टाईप. जर का न्यूक्लियस एकाचे दोन झाले, लगेच त्या दोन न्यूक्लियसच्या आजूबाजूला सेल वॉल पण बनल्या, म्हणजे सेल पण एकाचे दोन होत असतील, तर सेल्युलर. एक्झाम्पल काय सेल्युलरचे, अथवा सेल्युलरचे एक्झाम्पल ए बी पी. ए बी पी मध्ये काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, पहिलं ए इज फॉर अॅडोक्झा, बी इज फॉर बाल्सम, अँड पी इज फॉर पेटुनिया. देन न्यूक्लियर, इफ कॅरिओकायनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय सायटोकायनेसिस, देन इट इज अ न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिव्हिजन, त्याला न्यूक्लियर डिव्हिजन असं म्हटलं जातं. किंवा तो एंडोस्पर्म जो आहे तो नॉट न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिव्हिजन, इट इज अ न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म उसे कहा जाता है. एग्जाम्पल है व्हीट, सनफ्लावर, कोकोनट. तीसरा हेलोबियल, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सेल वॉल डिपोजिशन, और उसके बाद वहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है. तो एस्पर्डेलस या फिर हेलोबियल्स जो प्लांट होते हैं. लास्ट इज मोजैक, जब एंडोस्पर्म में दो टाइप के टिश्यू होते हैं तब उसे मोजैक एंडोस्पर्म कहा जाता है. कॉर्न उसका एग्जाम्पल है. अगर डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को खा ले पूरी तरह से बिना कुछ छोड़े बाकी, तो उस टाइप के एंडोस्पर्म को कहा जाता है, सीड को, नॉट एंडोस्पर्म, उस टाइप के मैच्योर सीड को कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड, पी बीन, ग्राउंडनट एग्जाम्पल. और अगर एंडोस्पर्म बचता है मैच्योर सीड में, जैसे कि व्हीट, मेज, राइस, कोकोनट, कैस्टर, तो उसे एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है.
थोड़ा सा एंडोस्पर्म बनने के बाद जायगोट जो है वो एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देता है। तो अब हम देखेंगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। तो मैं एक बार आपको डिस्क्रिप्शन से मैच करने के लिए कुछ चीजें बता देता हूं। हमने कुछ इस तरह का ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा है, ये फ्यूनिकल है और ये क्या है, इंटीग्यूमेंट्स है, ये आउटर इंटीग्यूमेंट, ये इनर इंटीग्यूमेंट है, ये फ्यूनिकल है, ये न्यू सेलस है, ये एम्ब्रियो सैक है, इस एंड को चलाजल एंड कहते हैं और इस एंड को माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पे एक एपरेटस था जिसमें से एक फर्टिलाइज होके जायगोट बन गया और इधर बीच में इधर एंटीपोडल थी चलाजल एंड पे, वो डिजेनरेट हो चुके क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद की बातें कर रहा हूं मैं। यहां पे पहला सिनर्जिट फर्टिलाइजेशन से पहले डिजेनरेट होता है, दूसरा सिनर्जिट फर्टिलाइजेशन के बाद डिजेनरेट होता है। तो अब मैं फर्टिलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूं यानी सिनर्जिट भी जा चुका है और इधर जो एंडोस्पर्म है वो बन चुका है। अब बात मैं इसकी करने वाला हूं, किसकी, इस जायगोट की, जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो एनसीईआरटी के डिस्क्रिप्शन है या ज्यादा स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम आपको समझ में आए, इसलिए मैं यहां पे एक चीज आपको बता दूं पहले ही कि आपको इसे उल्टा इमेजिन करना है। उल्टा इमेजिन उस हिसाब से वो रेफरेंस वो डायग्राम है, उल्टा कैसे इमेजिन करना है तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। मान लो ये वो सेल है और ये सॉरी ये वो सेल है ना एंडोस्पर्म का है और ये जायगोट है। जायगोट अब यहां पे इसके आसपास कौन होगा, ये न्यूसेलस होगा। तो अब मैं थोड़ा सा इसे रब करके ओव्यूल को उल्टा ड्रॉ करूंगा। उल्टा ड्रॉ करूंगा मतलब कैसे, अगर फ्यूनिकल इस साइड से ड्रॉ करते हैं निकालते हैं तो ये एंड बन गया माइक्रोपाइलर एंड, ये एंड बन गया चलाजल एंड। तो अब अगर मैंने इस ओव्यूल को ऐसा घुमाया है ऐसा, तो जायगोट कहां पे दिखाऊं मैं, जायगोट मुझे यहां पे ड्रॉ करना होगा क्योंकि ये माइक्रोपाइलर एंड है। अब रेफरेंसेस इस डायग्राम के हिसाब से होंगे, मतलब मैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की सेल अगर कहूंगा तो आपको ऊपर की सेल इमेजिन करनी है, कैसे वो आगे आएगा मैं डायग्राम रब नहीं कर रहा हूं अभी। तो ये जायगोट जो है वो इमीडिएटली एक प्रो एम्ब्रियो स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। प्रो एम्ब्रियो मतलब इसमें माइटोसिस होके दो सेल बन जाते हैं, उसमें से ये ऊपर का यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का जो सेल है, अब ऑब्वियसली यहां से आगे एंजियोस्पर्म की बात हो रही तो डिप्लॉयड सारी चीजें हर बार मैं 2N नहीं लिखूंगा। तो ये ऊपर वाला जो सेल है, जायगोट एक से दो हो गया, ऊपर वाला एक और नीचे वाला एक सेल है। ऊपर वाला जो सेल है उसे बेसल सेल कहते हैं और नीचे वाला जो है उसे टर्मिनल सेल कहते हैं। लेकिन मैं ये नाम नहीं रिपीटेडली यूज करूंगा, मैं इसके सिनोनिम्स यूज करूंगा या दूसरे नाम यूज करूंगा। तो इसका दूसरा नाम है सस्पेंसर इनिशियल सेल और टर्मिनल जो है, टर्मिनल सेल का नाम बेसल सेल, टर्मिनल सेल का नाम है एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। नाम की तरफ ध्यान देते हैं, सस्पेंसर इनिशियल सेल यानी सस्पेंसर की इनिशियल सेल, पहली सेल जो डिवाइड होकर सस्पेंसर बनाएगी या सस्पेंसर फॉर्मेशन इनिशिएट करेगी। एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल यानी एम्ब्रियो की पहली सेल जो बाद में एम्ब्रियो फॉर्म करेगी। तो ये सस्पेंसर इनिशियल सेल कौन से एंड की तरफ है, इसका ही डिवीजन हो गया। तो ये सस्पेंसर सेल है और ये टर्मिनल एम्ब्रियोनल सेल है। तो सस्पेंसर सेल किसकी तरफ है, माइक्रोपाइली की तरफ, और ये किसकी तरफ है, चलाजा की तरफ, चलाजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। अब आगे स्टेज सेकंड, या मैं एक बार रब कर लेता हूं इन सारी चीजों को। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमारा जायगोट है, तो अब उस जायगोट में माइटोसिस होके ऊपर से ये बेसल सेल बन गया ऊपर वाला और उसके नीचे
टर्मिनल सेल यानी एम्ब्रियोनल सेल बन गया, बी फॉर बेसल, या फिर उसे सस्पेंसर इनिशियल सेल कहा जाता है, और नीचे वाला है टर्मिनल या फिर एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। अब बेसल सेल में रिपीटेड एक ही प्लेन में माइटोसिस, एक ही प्लेन में मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, ऐसे 6 से 10 सेल बन जाते हैं। कलर नीला जो है वो सस्पेंसर सेल से आए हुए सेल्स के लिए बना रहा हूं, तो 1 2 ऐसे 6 से 10 सेल का एक मास बनता है, वो एक ही प्लेन एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसा सस्पेंसर बन जाता है। और ये जो एम्ब्रियो मतलब इस सेल से ऐसे 6 से 10 सेल का सस्पेंसर बन गया। और अब उससे होगा क्या, उससे अब यहां पे सेल ऐड हो रहे ऐड हो रहे, तो ये जो एम्ब्रियोनल सेल है वो इधर नीचे की तरफ यानी चलाजा की तरफ पुश होगा। उधर है कौन, उधर एंडोस्पर्म है, मतलब दिस सस्पेंसर या ये उसकी सेल जो है वो इस एम्ब्रियो को या इससे बनने वाले सेल को एंडोस्पर्म में पुश कर रहे हैं। क्या कहा मैंने, ये सस्पेंसर है, इसके डिवीजन से 1 2 3 या फिर मैं कलर चेंज भी नहीं करता हूं, ब्लू कलर से दिखाया है। तो यहां पे ये सस्पेंसर का पहला सेल था, 1 से 2 2 से 4 4 से 8 ऐसे सेल बढ़ गए, तो इससे अटैच जो एम्ब्रियोनल सेल या उससे बनने वाले जो सेल होंगे वो एंडोस्पर्म में और ज्यादा गहराई में और ज्यादा डीपर पुश होंगे। अब साथ में इसका क्या होता है, तो ये 3 सक्सेसिव माइटोसिस कर लेता है। 3 माइटोसिस से कितने सेल बनेंगे, 1 से 2 माइटोसिस 1, 2 से 4 माइटोसिस 2, 4 से 8 माइटोसिस 3, तो कितने सेल बन गए, 4, 1 2 3 4 1 2 3 4। इस एक सेल को क्वाड्रेंट को 4 सेल को टायर कहा जाता है। तो ये अपर टायर, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये अपर टायर है ये, लेकिन आपको एनसीईआरटी में डायग्राम हो नीचे, मतलब देखने में वो ऐसा लग रहा है कि लोअर टायर है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हमने ओविल उल्टा डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये इस तरह से इमेजिन करना है, लेकिन असलियत में हम देखते कैसा है उसे। ओके, तो ये जो अपर टायर है ये वाला, ये बाद में बना लेता है प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडॉन्स, ठीक से समझ लेना। और ये जो लोअर टायर है या ये जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का टायर है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का जो टायर है, लोअर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस पोजीशन में अगर ओविल लिया जाए तो इसके रेफरेंस में माइक्रोपाइली लोअर है और चलाजा अपर है, माइक्रोपाइली लोअर है और चलाजा अपर है। तो डिस्क्रिप्शन में इन्होंने ये रेफरेंसेस यूज किए हुए हैं, लेकिन डायग्राम इस तरह से दिखाया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, और कंफ्यूजन अगर लगे तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर देना या फिर वहां पे पोस्ट में मैं आपका डाउट पोस्ट कर देना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि यहां पे डायग्राम जो है वो डायग्राम में दिखने में तो ये लोअर लग रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में अपर कहा जा रहा है, तो अपर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि रेफरेंसेस इसकी जैसे लिए गए हैं कि माइक्रोपाइलर एंड लोअर है और चलाजा अपर है। तो अब ये जो है, ये जो चलाजा की तरफ का जो है सेल, वो 4 सेल प्लूम्यूल और कॉटिलिडॉन बना लेते हैं, और ये जो माइक्रोपाइली का टायर है, टायर यानी TIR टायर यानी 4 सेल का वो जो टेट्राड है वो रेडिकल बना लेता है, रेडिकल। अब इसमें इसमें आप लोगों को ये बात तो पता है सबको कि रेडिकल से रूट्स डेवलप होते हैं प्लांट में, और प्लूम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होता है, और कॉटिलिडॉन्स में फूड स्टोर्ड रहता है, उसपे मैं सीड के वक्त बात करूंगा। कॉटिलिडॉन पे डाइकॉटिलिडॉन जो प्लांट है, डाइकॉटिलिडॉन्स उनमें 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं और मोनोकॉट्स में 1 कॉटिलिडॉन होता है। तो अब सस्पेंसर के ये जो लोअर मोस्ट सेल है इसे कहा जाता है हाइपोफाइसिस। लोअर मोस्ट यानी किसकी तरफ का लोअर मोस्ट, इस एम्ब्रियो की तरफ का लोअर मोस्ट यानी या अपर मोस्ट हुआ इस हिसाब से। ओके, तो ये जो इस एम्ब्रियोनिक मास की तरफ का या इस एम्ब्रियोनल सेल से डिराइव हुए सेल की तरफ का जो सस्पेंसर का सेल है उसे हाइपोफाइसिस कहा जाता है। और ये जो माइक्रोपाइलर एंड का फर्स्ट एंड की तरफ का फर्स्ट सेल है इसे हॉस्टोरियम कहा जाता है, हॉस्टोरियम। तो दिस फर्स्ट सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इज अ हॉस्टोरियम। दिस फर्स्ट सेल
टूवर्ड्स दी एम्ब्रियोनिक मास या फिर एम्ब्रियोनल सेल जहां पे डिवाइड हो रहा है उसकी तरफ का ये फर्स्ट सेल इज अ हाइपोफाइसिस। ये जो हाइपोफाइसिस है बाद बच्चों ये बाद में ये रेडिकल से रूट डेवलप होगा, तो ये रूट कैप बनाता है, रूट कैप बनाता है और कुछ पार्ट सम पार्ट ऑफ रेडिकल भी बना लेता है, ये रेडिकल का कुछ हिस्सा भी बना लेता है और साथ में ये रेडिकल से जो रूट डेवलप होगा उस रूट के ऊपर जो कैप होता है सबको पता है वो 11th का टॉपिक है, तो रूट कैप भी डेवलप कर लेता है। तो यहां तक की जो बातें हैं वो एनसीईआरटी में नहीं दी गई, उन्होंने सिर्फ एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहा है, उन्होंने बाकी डिटेल एनसीईआरटी में यहां तक नहीं है, इससे आगे की बातें एनसीईआरटी में दी गई है, तो ये आपको ठीक से याद भी करना और लिख भी लेना है। मैं बार रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद हम एनसीईआरटी पे आएंगे। तो होता क्या है, जायगोट जो होता है एक सेल यहां पे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, उस जायगोट में डिवीजन होके प्रो एम्ब्रियो स्टेज बन जाती है जो कि दो सेल से बनती है, उसका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का सेल यानी सस्पेंसर इनिशियल सेल या बेसल सेल और चलाजा की तरफ का टर्मिनल या उसे एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल भी कहा जाता है। एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल से ये एम्ब्रियोनिक सेल का मास बनता है और ये सस्पेंसर बना लेता है। सस्पेंसर जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे तो ये नीचे के सेल एंडोस्पर्म में और ज्यादा डीपर चले जाएंगे। सस्पेंसर में जो पहला सेल या माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का जो सेल उसे ऑस्टोरियम कहा जाता है। इधर का ये जो है ये हाइपोफाइसिस है। हाइपोफाइसिस उससे भी पहले एम्ब्रियोनिक मास जो है उसमें तीन सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होते हैं। एक सेल से एम्ब्रियोनिक मास नहीं सॉरी इट इज एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। तो वो जो टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल जो है उसे तीन सक्सेसिव माइटोसिस से वहां पे 8 सेल बन जाते हैं और 8 सेल बनने की वजह से ऊपर का जो चार है ऊपर का जो टायर है या ये जो है सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल नॉट ऊपर नीचे टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इससे रेडिकल बनता है और ये जो हाइपोफाइसिस है वो रूट कैप बना लेता है और कुछ हिस्सा रेडिकल का भी बना लेता है। और जो चलाजल एंड करके सेल से कर्चेज सेल से या चलाजा की तरफ के जो सेल्स है वो प्लिम्यूल या कॉटिलेडॉन्स बना लेते हैं और बाद में सबको पता है प्लिम्यूल से शूट बनेगा और रेडिकल से रूट बनेगा। अब ऑक्टंट मतलब ये 8 सेल ऑक्टंट बनने तक का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है याद रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। ऑक्टंट स्टेज यानी ये जो 8 सेल का जो स्ट्रक्चर है जो टर्मिनल सेल से आए हैं ये ऑक्टंट बनने तक मोनोकॉट्स और डायकॉट्स में रूट एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट सेम है। द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट अप टू द ऑक्टंट स्टेज इज सेम इन द मोनोकॉट एंड डायकॉट। इसके आगे कुछ डिफरेंसेस है और उस डिफरेंसेस पे बेस्ड एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर भी मोनोकॉट डायकॉट में थोड़ा अलग है। क्या अलग है, तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद का स्टेज दिखाया गया है। एक सिनर्जी डीजनरेट हो रहा है, एक हो चुका है। एनसीईआरटी की डायग्राम है, एनसीईआरटी की डायग्राम इसलिए ठीक से फोकस करना है, यही पे याद करना है। तो एक सिनर्जी डीजनरेट हो रहा है, एक सिनर्जी डीजनरेट हो चुका है। ये जायगोट है, ये जो बड़ा सा सेल है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है बड़ा वाला, ये उसका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है और ये डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल है, यही पे याद करना है। अब बाद में क्या होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट मैंने तो पहले ही बता दिया, एक तो फ्री न्यूक्लियर, एक तो सेलुलर या फिर एलोवियल या फिर मोजेक डिपेंडिंग ऑन द प्लांट। जायगोट का क्या होगा, तो ये जायगोट है यही पे होगा, सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए लिया गया है। तो इसमें ये एक सस्पेंसर एक बेसल सेल है और उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने ग्लोबुलर स्टेज दिखाया है। तो जो डिस्क्रिप्शन मैंने अभी बताया वो इन दोनों स्टेजेस के बीच वाला है जो इन्होंने नहीं कवर किया है। तो उस दौरान वो चीजें होती है जो हमने अभी देखी। अब उस ऑक्टंट के बाद सेल काउंट बढ़ता जाता है 8 से 16, 16 से 32 सेल करते करते एम्ब्रियो जो है ये ऊपर का सस्पेंसर है बच्चों, दिस इज द सस्पेंसर और ये जो नीचे का जो मास है इसमें ये एम्ब्रियो जो है वो ग्लोबुलर हो चुका है, ग्लोब जैसा ऐसा स्पेरिकल या ग्लोबुलर दिख रहा है। उसके बाद आगे डेवलपमेंट के साथ साथ ये हार्ट शेप होता है, तो दिस इज द हार्ट शेप एम्ब्रियो और उसके बाद ये फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो है। ये उसका कॉटिलेडॉन है, ये हिस्सा जो है ये माइक्रोपाइली की तरफ का हिस्सा, मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन जो है माइक्रोपाइली आप नीचे की तरफ इमेजिन करते हो तो वो ओविल उल्टा इमेजिन करना है, उल्टा जैसे मैंने बाद में बताया था। तो ये रेडिकल है,
इससे रूट निकलेंगे तो जाहिर सी बात है रूट ऊपर की तरफ थोड़ी ना जाएंगे, तो वो डिस्क्रिप्शन उस तरह से ओविल को उल्टा करके लिखा गया है, लेकिन आपको समझना यही है कि ये नीचे की तरफ ग्रो करेगा कौन, रेडिकल, और इधर ये प्लूमुल है, प्लूमुल इससे शूट सिस्टम आएगी, प्लूमुल से शूट सिस्टम, रेडिकल से रूट सिस्टम आएगी। ये भी आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें ये डाइकॉट सीड का एम्ब्रियो है, डाइकॉट प्लांट का एम्ब्रियो है, इसमें ये दोनों जो है ये कॉटिलिडॉन से, ये दोनों जो है वो कॉटिलिडॉन है। अब कॉटिलिडॉन की ये जो लेवल है यहां पे तक कॉटिलिडॉन है, इस लेवल से ऊपर का जो हिस्सा है उसे इपिकॉटिल कहा जाता है। नहीं दिख रहा है तो ठीक से सुनो, इपिकॉटिल ये जो ऊपर का हिस्सा है कॉटिलिडॉन की लेवल के ऊपर का हिस्सा इज इपिकॉटिल, और इपिकॉटिल का जो एंड है यहां पे, ये जो एंड है इस एंड को प्लूम्यूल कहते हैं, प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल बाद में शूट सिस्टम डेवलप करता है। फिर से बता रहा हूं कि कॉटिलिडॉन की जो लेवल है, यहां तक कॉटिलिडॉन है, इसके ऊपर का हिस्सा इस कॉटिलिडॉन के लेवल उसे इपिकॉटिल कहते हैं, और उसके लेवल के नीचे का जो हिस्सा है मतलब यहां तक ये इससे इधर, इट इज हाइपो यानी नीचे, तो हाइपोकॉटिल है, हाइपोकॉटिल। इपिकॉटिल का जो टर्मिनल पॉइंट है, जो एंड है उसे प्लूम्यूल कहते हैं, प्लूम्यूल शूट में डेवलप होता है, हाइपोकॉटिल का जो एंड है उसे रेडिकल कहते हैं, रेडिकल, और रेडिकल जो है वो रूट में डेवलप होता है और उसके नीचे रूट कैप होता है। देन तो इधर ये रूट कैप दिखाया भी है, दिस इज द रूट कैप, ठीक से देख लो ये नीचे रूट कैप है, और जिनको ये क्लियरली नहीं दिख रहा है वो ये सारी चीजें एनसीईआरटी के बुक में भी देख सकते हैं, जो लेबल में बता रहा हूं वो ऑलरेडी लेबल है, सिर्फ समझ लो। क्या समझना है कि ये कॉटिलिडॉन की लेवल है, उसके ऊपर इपिकॉटिल है, इपिकॉटिल का जो एंड है उसे प्लूम्यूल कहते हैं, प्लूम्यूल शूट में डेवलप होगा, लेवल के नीचे हाइपोकॉटिल है, हाइपोकॉटिल में का एंड रेडिकल है, रेडिकल को रूट कैप होती है क्योंकि रेडिकल बाद में रूट्स में डेवलप होता है। इसके बाद देखते हैं मोनोकॉट्स का एम्ब्रियो, ये मोनोकॉट्स का एम्ब्रियो है, ठीक से समझ लेना है, मोनो यानी एक और कॉट यानी कॉटिलिडॉन या मोनोकॉटिलिडॉनस प्लांट का एम्ब्रियो है। इसमें अब जाहिर सी बात है एक ही कॉटिलिडॉन होगा, और ये एक कॉटिलिडॉन लैटरली है मतलब एम्ब्रियो की एक साइड में है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये कॉटिलिडॉन है, लेकिन कॉटिलिडॉन को कॉटिलिडॉन नहीं कहा गया क्योंकि मोनोकॉट्स में या फिर ग्रासेस में जो कॉटिलिडॉन होते हैं उनको स्कूटेलम कहा जाता है। तो स्कूटेलम ये लैटरल साइड का ये कॉटिलिडॉन है जिसमें फूड स्टोर रहेगा। कॉटिलिडॉन की ये जो अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट है इसके ऊपर का जो हिस्सा है, दिस इज द अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडॉन, और इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे देखो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। कॉटिलिडॉन की अटैचमेंट इस एरिया में है, यहाँ पे कॉटिलिडॉन यहाँ पे अटैच हुआ है, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो इपिकॉटिल कहा जाएगा। ये एम्ब्रियो का एक्सिस है, एम्ब्रियो का एक्सिस माने इस एक्सिस पे रूट और शूट डेवलप होंगे, इस एक्सिस इस लाइन पे, तो इस लाइन पे क्या स्ट्रक्चर है, तो कॉटिलिडॉन के अटैचमेंट के ऊपर का जो हिस्सा है ना उसे इपिकॉटिल कहते हैं, और नीचे का जो हिस्सा है उसे हाइपोकॉटिल कहते हैं। इपिकॉटिल में प्लूम्यूल होता है, और इस प्लूम्यूल से शूट अपेक्स और शूट सिस्टम डेवलप होती है, और हाइपोकॉटिल के एंड में रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होती है। इस रेडिकल को कवर करने वाला यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है रूट कैप, और रूट कैप के नीचे यहाँ पे वो दिख तो रहा है लेकिन लेबल नहीं है, इसे इस स्ट्रक्चर को जो इस रूट कैप को भी कवर कर रहा है इसे कहा जाता है कोलियोराइजा। तो ये कोलियोराइजा है, क्या बताया मैंने अब तक, स्कूटेलम ये कॉटिलिडॉन है जो लैटरल साइड से है, उस कॉटिलिडॉन में फूड स्टोर रहेगा, ये मोनोकॉट्स में होता है, इसके अटैचमेंट अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये अटैचमेंट है, अटैचमेंट के ऊपर का जो हिस्सा है उसे इपिकॉटिल कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस का, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है मतलब इस पे प्लांट का रूट और शूट सिस्टम डेवलप होगा। इसमें ऊपर का हिस्सा इपिकॉटिल है, नीचे का हाइपोकॉटिल है, हाइपोकॉटिल टर्मिनेट्स इनटू द रेडिकल, रेडिकल को कवर करने वाला रूट कैप है, और इन सबको कवर करने वाला एक अनडिफरेंशिएटेड शीट कोलियोराइज है। वैसे ही प्लूम्यूल से शूट अपेक्स निकलता है, डेवलप होता है, और उसके ऊपर कोलियोप्टाइल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो उसे कवर कर रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आज हमने एंडोस्पर्म देखा, उसकी डेवलपमेंट देखी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखी, जो चीजें एनसीईआरटी में नहीं है वो आपको लिख लेनी है। अगर कुछ बातें आपको डिफिकल्ट लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, रिगार्डिंग एनी अदर टॉपिक, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, एंड इट इज 7972 3125550 2550।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।